अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, जो आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाना चाह रही हूँ ना, ये इस पर मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाह रही थी वीडियो। पहले भी पास्ट में इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ था, तो तब से मैंने सोचा हुआ था कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी। और अब मैंने मतलब फाइनली मैं बैठ गई हूँ इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आई थॉट कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो कम अज़ कम मैं उन तक तो अपनी बात कन्वे करूँ ना। आई नो कि मेरी कोई ज़्यादा फॉलोइंग तो है नहीं यूट्यूब पर, बट आई होप कि किसी एक दो बंदों को ही अगर मेरी बात समझ आ जाएगी ना, तो मेरा ये वीडियो बनाने का और बोलने का मकसद पूरा हो जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी कल ही डॉक्टर आमिर लियाकत का इंतकाल हुआ है, और आई थिंक ये बात तो पाकिस्तान में तो सभी को पता होगी और पूरी दुनिया में ही खबर फैल गई होगी। और मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है, मैं बात ये करना चाह रही हूँ कि अब लास्ट में जो उनकी शादी हुई थी, उसके बाद जो सब कुछ सीन क्रिएट हुआ, अलहदगी हुई या कुछ भी हुआ, वो भी हम सबको ही पता है। आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है ना, इस पे हर बंदे की कोशिश होती है कि बस वो किसी ना किसी तरह ना मशहूर हो जाए, फिर चाहे उन्हें कोई गलत तरीके क्यों ना इस्तेमाल करने पड़े। अब आप लोग देख लें कि YouTube पर इस वक्त इतने लोग, पहले तो YouTube होता था ना, चलो हमें होता था कि कोई चीज़ सीखनी है तो हम YouTube खोल लेते हैं, हम कोई वीडियो लगा लेते हैं, या अगर हम बोर हो रहे हैं तो हम YouTube खोल लेते हैं, कोई एंटरटेनिंग वीडियो लगा लेते हैं, हमारा टाइम अच्छा पास हो जाएगा, ये YouTube का मकसद होता था। अब तो YouTube को भी भाई घरेलू झगड़ों से, घरेलू मसलों से लोगों ने भरा हुआ है, और अपने घरेलू मसले बता बता के व्यूज़ लिए जा रहे हैं, सब्सक्राइबर्स लिए जा रहे हैं, उनका चैनल ग्रो किए जा रहा है। मतलब उन्होंने अपनी लाइफ को ना एक ड्रामा बना के रख दिया, जैसे एक ड्रामे की नई एपिसोड आती है ना हर हफ्ते, इसी तरह उन्होंने रोज़ अपने घर की कोई ना कोई डेली कोई ना कोई मसला उन्होंने बताते रहना है कि हमारे घर की नई एपिसोड आ गई है भाई, हमारी ज़िंदगी की नई एपिसोड आ गई है, आके देख लो, आके तमाशा लगा लो सारे। तो अब YouTube को भी ना लोगों ने इन्हीं मसलों के लिए यूज़ करना शुरू किया हुआ है। अब मैं बात ये करना चाह रही हूँ, आई होप कि आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ आ जाएगा, कि अब उनके जो लास्ट शादी, जो उन्होंने लास्ट अपनी थर्ड शादी की थी, उसके बाद जब उनकी अलहदगी हुई है, तो उनकी जो वाइफ थी, अब मैं उसे भी गलत नहीं कहूँगी, आई डोंट नो उसने ये सब कुछ क्यों किया, मैं यहाँ पर किसी को भी गलत कहने के लिए नहीं बैठी हुई, मुझे नहीं पता कि कौन गलत है कौन सही है, आप लोग खुद फैसला करें, हर बंदे का अपना माइंड सेट होता है, हर बंदे ने खुद जज करना होता है दूसरे बंदे को कि ये गलत है ये सही है। तो उसने जो वीडियोस लगाई और उसने जो वीडियोस वायरल की, तो आई थॉट कि ये बहुत 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 गलत हरकत थी और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। जो मियां बीवी का रिश्ता होता है, जो एक कमरे के अंदर बात हो रही होती है ना, वो तो आप लोगों को बाहर बतानी ही नहीं चाहिए, फिर ये वीडियोस वायरल करने का क्या तुक बनता है। ये तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में भी फरमाया है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, तो इससे ज़्यादा आसान अल्फाज और इससे ज़्यादा आसान और सादी बात क्या है जो हम लोगों को समझ नहीं आ रही। मतलब कि एक कमरे में आपके साथ कुछ भी चल रहा है ना, आप मियाँ बीवी का जो सारी बातें हैं ना, सारा कुछ है, आप लोग उस कमरे तक ही रहने दो, आप लोग अपने घर तक ही रहने दो उस बात को, आप लोग बाहर क्यों फैलाते हैं वो सारी बातों को। वीडियोस लीक करना तो बहुत 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 गलत बात है। मैं तो कहती हूँ कि अपनी पर्सनल बात, अपने हस्बैंड की, अपनी वाइफ की कोई भी बात आप लोगों को किसी से शेयर करनी ही नहीं चाहिए। ज़रूरत ही क्या है शेयर करने की, मुझे ये बताएं आप लोग कि ज़रूरत ही क्या है अपनी पर्सनल बात किसी और को बताने की। वीडियोस बना के दिखाना तो दूर की बात है। अच्छा, और एक और ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है जिससे मुझे सख्त नफरत है, वो ये है कि शादीशुदा ज़िंदगी तो अपनी सोशल मीडिया पे लोग शेयर कर रहे होते हैं कि हमारी लाइफ में ये चल रहा है ये चल रहा है। चलो ठीक है, वो हर बंदे का अपना फ़ैसला होता है किस हद तक उसने अपनी लाइफ सोशल मीडिया पे शेयर करनी है, हर बंदे की अपनी लाइफ है, हर बंदे का अपना फ़ैसला है, ठीक है। लेकिन जब उनकी अलहदगी हो जाती है या डिवोर्स हो जाती है, कोई भी सीन होता है, तो बस फिर ऐसे चुटकियों में वो अगले बंदे की इज़्ज़त को ना, मतलब इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा देते हैं सोशल मीडिया पे आकर। ये क्या तरीका है भाई, मुझे तो ये तरीका भी समझ नहीं आता। ठीक है, आप लोग की अलहदगी होगी, आप लोग सबको बताना चाह रहे हो कि हम दोनों साथ नहीं हैं, तो एक पोस्ट लगा दो, ठीक है हम लोग साथ नहीं हैं। उस बंदे की इज्जत ख़राब करने का क्या तुक बनता है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। अलहदा होने के बाद भी वो उसके बारे में बोलता रहेगा, वो उसके बारे में बोलती,
जैसे शादीशुदा जिंदगी गुजारने के कुछ उसूल है ना, ऐसे ही अलहदगी के भी कुछ उसूल हैं। आप लोग नहीं साथ रह सकते, चले ठीक है मान लिया नहीं साथ रह सकते, गुजारा नहीं हो रहा साथ, आप लोग सिंपल अलहदा हो जाएं तो। लेकिन एक दूसरे के बारे में बुरे अल्फाज यूज़ करना, एक दूसरे को गालियाँ देना, उसके बारे में ये कहना, उसके बारे में वो कहना, ये सब इंतहाई इंतहाई गलत बात है। एंड दिस नीड्स टू स्टॉप हेयर। मतलब हम अपनी आगे वाली जनरेशन को क्या दिखा रहे हैं, हम पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। आप लोग अपने अपना प्यार तो दिखाते ही हैं बच्चों को, लेकिन जब वो प्यार ख़त्म हो जाता है तो फिर आप लोग बच्चों को ये दिखा रहे हैं कि अगर आप लोग की लाइफ में अल्लाह ना करे आगे जाके ये सब कुछ होता है, तो आप लोगों ने भी आगे अपने पार्टनर्स के साथ ये सब कुछ ही करना है जो हम अपने पार्टनर्स के साथ करें। अभी रिसेंटली एक यूट्यूब का कपल था, मैंने उन्हें यूट्यूब पर भी फॉलो किया हुआ था, काफ़ी टाइम से मैं उन्हें फॉलो कर रही थी, तो मुझे वो कपल ना बड़ा अच्छा लगता थी। तो एक दिन मैंने वैसे ही इंस्टाग्राम खोला तो भाई इंस्टाग्राम पर दोनों अचानक से उस लड़की की पोस्ट मेरे सामने आई, तो उसने उसकी इज्जत ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई थी और बताया हुआ था कि हमारी अलहदगी हो गई है, ये हुआ है, ये हुआ है। और उस बंदे की प्रोफाइल खोल के देखी तो उसने तो हद ही कर दी हुई थी ना। तो अब उनका आगे से बच्चा भी है, मतलब उन्होंने अपने बच्चे के लिए क्या मिसाल कायम की है। ठीक है आप लोग की शादी नहीं चली, लेकिन आप लोग अपने बच्चे को क्या दिखा रहे हो, नहीं चली तो आगे हमने ये सब कुछ किया है एक दूसरे के साथ। और फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि उन्होंने खुद तो एक दूसरे की इज्जत ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर उन्होंने लोगों को भी मौका दे दिया और इर्द गिर्द वाले जो यूट्यूबर्स हैं और सारे जो लोग हैं इन्फ्लुएंसर्स जो अपने आप को बोलते हैं आजकल, उन सब ने क्या किया कि उन सब ने भी उनके ऊपर वीडियोस बनानी शुरू कर दी, उस लड़की के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए कि बताओ भाई इनकी डिवोर्स क्यों हुई है, ये लड़की कैसी थी, ये लड़का कैसा था, आप लोगों ने कभी इनके घर से कोई आवाज़ तो नहीं सुनी, ये लड़ते तो नहीं थे, ये तो नहीं होता था, वो तो नहीं होता था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ चल क्या रहा है और ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो आप लोग दूसरों को क्यों मौका देते हैं कि वो आप लोगों की लाइफ पर आकर कमेंट्स करें, क्वेश्चंस करें आप लोग की लाइफ के बारे में, और आप लोगों पर वीडियोस बनाएं, उस पर व्यूज़ लें, और मतलब गलत इस्तेमाल करें ना, आप लोगों के मसलों का गलत इस्तेमाल करें। आप लोग ऐसा मौका ही क्यों देते हैं दूसरे लोगों को। और अब यही सेम केस हमें डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ देखने को मिला कि उनकी वाइफ का उनके साथ जो भी झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, जो भी हुआ, जो भी डिस्कशन हुई, उस बंदी ने क्या किया, उस बंदी ने आके अपनी प्राइवेट वीडियोस लीक कर दी। और उसके बाद आमिर लियाकत साहब भी बोलते रहे कि इसने तो मेरी इज्जत ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, ये है वो है फलाना ढिमकाना, वो सब कुछ तो आप सब लोगों ने भी देखा होगा। मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहती, लेकिन आई थॉट कि ये बात बहुत गलत है और हमें हर तरह से इन सारी चीज़ों को कंडेम करने की कोशिश करनी चाहिए। अब उनके फोत होने के बाद भाई बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन से फोत हुए हैं या कुछ भी, मतलब ज़्यादातर यही स्टेटमेंट सुनने को आ रही है कि वो डिप्रेशन से फोत हुए हैं, और जब से उनके ऊपर ये सारे मीम्स वगैरह बने और इंटरनेट पर उनका मजाक बनाया गया। जाहिर बात है एक बंदे की आप प्राइवेट वीडियोस लीक करें, लोगों को तो मौका मिल ही जाएगा, लोग उन वीडियोस का गलत फ़ायदा उठाएंगे, उस पर मजाक बनाएंगे, मीम्स बनाएंगे, फ़नी वीडियोज़ बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या लोग करना शुरू कर देते हैं, तो फिर एक बंदा इतना सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकता ना। डॉक्टर आमिर लियाकत की डेथ जिस भी वजह से हुई, लेकिन उनके साथ ये जो सारा सिलसिला चला है, इससे हमें सबक क्या मिलता है, इससे हमें सबक यही मिलता है, लड़के लड़कियों को स्पेशली जो भी शादीशुदा कपल्स हैं या मर्द ख़वातीन, मतलब हर जनरेशन के लिए एक सबक है इसमें कि एक तो अपनी प्राइवेट लाइफ आप लोगों ने किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी, वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह अगर आपका गुजारा नहीं हो रहा बनाए बगैर, पहली बात है तो बनाए ही ना, अगर आपका गुजारा नहीं हो रहा इस तरह की प्राइवेट वीडियोस वगैरह बनाए बगैर, तो बराए मेहरबानी उन्हें अपने तक ही रखें, लीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवाम को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना मजाक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपना मजाक बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम हस्बैंड्स काइंडली अपनी वाइफ्स की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें, और जो सारी वाइफ्स हैं वो काइंडली अपने हस्बैंड की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें, मैं तो बस यही कहूँगी। और अगर आप लोगों की किसी ना किसी बात से अलहदगी हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ये सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा है, ये सब कुछ चलता ही रहेगा, तो अगर इस तरह का कोई आप लोगों के साथ मसला हो भी जाता है तो उसे भी अपने घर तक ही रखें, उसे सोशल मीडिया पे फ़ौरन से आके उछाला ना करें और
उसे एक मिर्च मसाला लगा कर ना उसे एक न्यूज़ बनाकर लोगों को ना दिखाया करें, लोगों के साथ ना शेयर किया करें, अपने तक ही रखें और उसे हल करने की कोशिश करें। और बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, और डॉक्टर आमिर लियाकत को अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। आज वैसे भी जुम्मे का दिन है, तो अल्लाह ताला उनके लिए आगे आसानियाँ पैदा करें, और अल्लाह ताला हम सबको भी हिदायत दें। आमीन सुम्मा आमीन।